Hey guys, welcome back to Homebrew India. So, how have you been? I hope you all were pretty good and you've been enjoying my recipes that I've been sharing. So guys, as you may have seen, we have crossed 1,000 subscribers on my YouTube channel and I'm so happy, I'm so glad to share my happiness with you all. So thank you all, thank you guys, आप सबके support और आप सबके प्यार की वजह से आज ये step अपन cross कर पाए और आगे ऐसे ही अपन और steps और subscribers और achievements कर लाते रहेंगे और मैं आपके साथ share करता रहूँगा. Thank you so much guys. सच्ची में guys, मेरे ख्याल से ये बहुत ही कम समय में मैं इतने subscribers आ पाए मेरे channel पे और 30,000 views. एक video है मेरी ginger bio की, उसमें almost 30,000 व्यूज हो गए गाइस. थैंक यू सो मच, आप सबके प्यार आप सबके सपोर्ट की वजह से आज अपन यहाँ पे पहुँचे. तो गाइस, आपको आज लग रहा होगा कि आज मैं बैठा कैसे हूँ, आज मैं कुछ बना क्यों नहीं रहा, आज की रेसिपी क्या है. तो गाइस, आज अपन बात करेंगे. मेरे पास दो एक क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ उनके आंसर्स, क्योंकि वो मेरे पास काफ़ी आते हैं और वो मेरे को लगता है कि आपको बताना चाहिए. इनफैक्ट इस चीज़ की वीडियो मेरे को पहले ही बना देनी चाहिए थी कि क्या है इन क्वेश्चंस के आंसर्स. तो गाइस, वीडियो में बने रहिए, अपन आगे जानेंगे कि क्या क्वेश्चंस हैं और क्या आंसर्स हैं. और उससे पहले मैं चाहूँगा आपसे शेयर करना, मेरे पास क्या इंस्टाग्राम पे जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपने ऑलरेडी फॉलो नहीं कर रखा तो गाइज ये मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, आप प्लीज़ जाइए इसको फॉलो करिए और आपकी जो भी रेसिपीज़ होती हैं आप भी भेजिए. तो अभी मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ दो ऐसे जने जिनने मेरे को रेसिपीज़ भेजी और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि जब उनने मेरी रेसिपीज़ भेजी और मेरे को लगा कि हाँ, एक्चुअली लोग मेरी वीडियो सिर्फ देख ही नहीं रहे, एक्चुअली बना भी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और समझ के, मतलब अल्कोहल है तो थोड़ा समझ के करना चाहिए गाइस, ऐसा नहीं कि अपन पिए. तो फर्स्ट अपने पास, मेरे पास ही मेरे फ़ोन में, तो गाइस फर्स्ट जो है मेरे पास वो राघव हैं. उनने एक वीडियो इनने मेरे को एक फ़ोटो भेजी, जैसे आप इधर देख सकते हैं, इनने खुद ही का ये एयरलॉक बना दिया. अब वैसे तो एयरलॉक जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उसका मेन काम होता है कि वो बाहर की हवा अंदर नहीं आने दे और जो अंदर की हवा बाहर जा रही है वो जाती रहे, वो रुके भी नहीं. अगर वो रुकी रहेगी तो मैंने जैसे पहले और वीडियोस में बता रखा है, बॉटल बॉम्ब बनने का डर रहता है, हवा भरती रहेगी, प्रेशर भर जाएगा तो कांच की बॉटल हो सकती है यूजुअली फट जाए तो बाहर निकले हवा. तो इसने क्या किया, इसने स्ट्रॉ लगा दी अपनी एक, वैसे तो बॉटल इसकी ब्लैक लेबल की है बट ठीक है, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उसने स्ट्रॉ लगा के साइड में हवा निकाल दी और ये बना रहा है वाटरमेलन वाइन. तो काफ़ी एक्साइटेड ये भी मेरे को लग रहा है इसकी वीडियो से और इसकी फ़ोटो से, और मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि हाँ इसने बनाई. तो देखते हैं इनकी कैसे बनती है और अगर अच्छी बनेगी तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको अपडेट करूँ कि अच्छी लगी उसको. और गाइस, दूसरी जने जो है मेरे पास वो हैं प्रभा. इनने क्या है, इनने भी मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे मैं वाटरमेलन वाइन बना रही हूँ. पता नहीं वाटरमेलन वाइन इतनी अच्छी लगी गाइस आपको, थैंक यू मेरे को, मतलब और आप ट्राई करिए, और रेसिपीज़ अब आ गई हैं, आपको और भी अच्छी लगेंगी डिफरेंट रेसिपीज़, और मैं और ट्राई कर रहा हूँ डालने की. बट हाँ, मैं वाटरमेलन वाइन की आप लोग बना रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा देख के. तो इनने भी बनाया, इनका भी सेटअप जो था थोड़ा सा, मैं रेकमेंड करूँगा गाइस आप प्लीज़ एयरलॉक में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा जाएगा, आपकी इतनी मेहनती ब्रूज को बचा के रखेगा बैक्टीरिया से, ख़राब नहीं होगी आपकी ब्रूज. तो गाइस, इनने भी जब वाटरमेलन वाइन बनाई मेरे को काफ़ी अच्छा लगा देख के, और काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स इनने मुझसे पूछे कि कैसा बन रहा है, कैसे रखूँ. आप भी ट्राई करिए रेसिपीज़ अपनी भेजने का, और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी भी रेसिपीज़ दिखाऊँ सबको. तो गाइस, जो दो क्वेश्चंस मेरी बात थी, दो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए थे आंसर करने के लिए, क्या है कि एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे, एक कमेंट जो था वो नकली दारू से रिलेटेड था. तो मेरे को लगा कि ये ऑडियंस को पता रहना चाहिए कि होम ब्रूइंग क्या है और होम ब्रूइंग नकली दारू या असली दारू, या क्या होती है नकली दारू और असली दारू में फ़र्क क्या होता है, और होम ब्रूइंग इसमें कहाँ आती है बीच में, कैसे उसका रोल प्ले होता है, कहाँ वो फिट होती है, और क्या उसका पूरा लीगैलिटी है, और कैसे वो हेल्दी है, अनहेल्दी है, हार्मफुल है बॉडी के लिए, मैं तो ये बताना चाहता हूँ. तो गाइस, होम ब्रूइंग क्या होता है कि आप जब घर में अल्कोहल फर्मेंट करते हैं,
या आप कुछ भी बियर बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, साइडर बनाते हैं, फर्मेंटेशन जब तक हो रही है घर में, जब तक वो लीगल है। फर्मेंटेशन मतलब जैसे अपन वीडियो में आपने देखा होगा कि अपन यीस्ट डालते हैं, यीस्ट डालने के बाद वो अपने आप फर्मेंट होके अपने पास वाइन बन जाती है। शुगर की शुगर जब प्रेजेंट होती है किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी फ्रूट्स के साथ, तो यीस्ट क्या करता है, शुगर को कंज्यूम करता है और अल्कोहल बनाता है, और अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो अपन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो एयरलॉक यूज़ करते हैं, और जो इथेनॉल जो अल्कोहल बनता है वो अपन कंज्यूम करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि अपन जो घर में होम ब्रू करते हैं या अपन फर्मेंट करते हैं, वो यूजुअली अराउंड 11-12%, कई हद तक कई यीस्ट ऐसे स्पेशलाइज्ड यीस्ट होते हैं जो 15-18% तक अल्कोहल अपने को देते हैं। वो काफ़ी कमर्शियल वाइन्स बनने के लिए काम में आती है। मैंने उनको ट्राई कर रखा है, उनको मैंने घर में बनाई है उनसे वाइन्स, लेकिन आने वाली वीडियोस में हो सकता है कि मैं आपको वो भी शेयर करूँ कौन से यीस्ट हैं और उनको क्या चाहिए, कैसे रखना है। बट कहने की बात ये है, जो अपन घर में बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्मेंट होती है, और अपन जो वीडियोस में भी दिखा रहे हैं वो फर्मेंट हो रही है। फर्मेंटेशन के अंदर अल्कोहल का कंटेंट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट डिस्टिलेशन प्रोसेसेस। डिस्टिलेशन में अलग प्रोसेस होती है, उसकी मैं भी आगे बात करता हूँ। तो जब फर्मेंटेशन होती है उसमें अल्कोहल अराउंड 5 बियर्स में जैसे 5% से लेके अपन साइडर्स 7-9% तक, और फिर वाइन्स जाती हैं 11-15% तक अगर अपन मान के चलें तो ये जाती हैं। अब क्या होता है कि इस अल्कोहल में दो टाइप्स की अल्कोहल होती हैं, तो गाइस दो चीज़ों को इनमें से अपन मिला के अल्कोहल बोलते हैं। इसमें होती हैं, एक होती है इथेनॉल और एक होती है मीथेनॉल। इथेनॉल तो थोड़ी सेफ होती है पीने के लिए, वो जैसे आप नॉर्मल विस्की और वोडका में आप देखते हैं 48%, उसमें वो इथेनॉल होता है तो वो आप पी सकते हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है मीथेनॉल। मीथेनॉल टॉक्सिक होता है, वो बहुत ख़राब होता है, वो नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो अपन होम ब्रू करते हैं उसमें मीथेनॉल बनता होगा, लेकिन वो इतना 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 माइन्यूट है, वो 0.0005% 1% 2% जाके कहीं बनता हो तो वो कंजम्पशन में आता ही नहीं है। मतलब वो मैंने जब मेरी फर्स्ट ब्रूस थी, जब मैंने ये सब शुरू किया था बनाना, तो मैंने लेबोरेटरी के अंदर टेस्टिंग कराई थी मेरी रेसिपीज़ की, कि जो मैं होम ब्रू होती है रेसिपी जो एक यूजुअली जो सब जने करते हैं उसमें मीथेनॉल का कंटेंट कितना रहता होगा। तो गाइज़ वो जो अल्कोहल मैंने बनाई थी वो एप्पल साइडर थी, और मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से उसमें 6.2% अल्कोहल होना चाहिए था, लेकिन जब मैंने वो लैब टेस्ट कराई तो उसमें 5.4% अल्कोहल आया। कभी कम ज़्यादा होता रहता है कैलकुलेशंस में, क्योंकि लैबोरेटरी काफ़ी रिजिड टेस्टिंग करती है, काफ़ी उनके पास हाई इक्विपमेंट्स होते हैं। अपन हाइड्रोमीटर रिफ्रैक्टोमीटर से करते हैं तो कहीं डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन 5.4% अपने पास इथेनॉल आई थी, और मीथेनॉल मेरी रिपोर्ट्स में आई थी 0.0008% आई थी। तो गाइस वो आप बॉडी में फ़र्क भी नहीं पता चलेगा उसका मीथेनॉल का। और अगर होम ब्रू से किसी को मीथेनॉल का ओवरडोज होता है या मीथेनॉल किसी को नुकसान करती है, तो उसको कम से कम 20-30 लीटर पीना पड़ेगा, तब जाके कुछ ना कुछ बात उसको ख़राब करेगी। और आई डोंट थिंक कि कोई 20-30 लीटर पीता होगा एक साथ, और पीनी भी नहीं चाहिए वैसे, अगर जस्ट इन केस आप सोचें ये बात। और अब अपन आते हैं डिस्टिलेशन पे। डिस्टिलेशन फर्मेंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसमें कि हीट करने से अल्कोहल को अपन एवेपोरेट करके दूसरे कंटेनर में अपन ले लेते हैं। कई लोग इसी प्रोसेस से विस्की भी बनती है, इसी प्रोसेस से वोडका भी बनती है, इसी प्रोसेस से रम, जिन और बहुत बहुत डिफरेंट तरीके की अल्कोहल्स बनती हैं, वो सब डिस्टिल्ड होती हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि अपन जब एक कंटेनर में से अल्कोहल को निकाल लिए, तो अल्कोहल जब निकलती है तो नीचे बेस रह जाता है। अब अपन ऐसे समझते हैं गाइस, चलिए अपन मान लीजिए अपन 1 लीटर होम ब्रू कर रहे हैं। अब अपन 1 लीटर होम ब्रू करने से उसमें अपन कैलकुलेशंस के हिसाब से उसमें 10% अल्कोहल बनेगी, तो 1 लीटर में 10% के हिसाब से हो गई उसमें 100 ml अल्कोहल। अब अपन सिर्फ फर्मेंट कर रहे हैं, तो इस अल्कोहल इस 100 ml में अपनी वो भी है, इथेनॉल भी है, और इसमें मीथेनॉल भी है। और जैसे जो मेरी रिपोर्ट्स की कैलकुलेशन आई थी उसके हिसाब से 0.0008%, तो 100 ml में 0.0008%, मेरे को नहीं पता कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इतना ml होता है। गाइस जैसे अपन 1 लीटर अपन होम ब्रू करते हैं, उसके 100 ml जो अल्कोहल है उसमें से एक तो क्या आधा ml भी उसमें मीथेनॉल नहीं है, तो वो सेफ़ टू कंज्यूम है। अब अपन अगर बात करते हैं उसी 1 लीटर के होम ब्रू को अपन बाद में डिस्टिल करें, डिस्टिल किसी भी चीज़ को अपन कर सकते हैं, वो चाहे वाइन हो तो ब्रांडी बन जाएगी, और अगर अपन बियर या ग्रेन से करें तो वो विस्की बन जाएगी। तो जब अपन उसको डिस्टिल करते हैं, तो आप ये मानिए 1 लीटर के अपने
सल्यूशन को, अपनी बियर को अपन ने उसको बॉईल करने रख दिया जिसमें 100 ml अल्कोहल है। तो जब वो डिस्टिल होगी, डिस्टिल होने में थोड़ा सा अल्कोहल के साथ पानी भी आता है, तो अपन रफली ये माने कि 150 ml अपन उसमें वो करेंगे, निकालेंगे, डिस्टिल कर लेंगे अपने अल्कोहल को। जब डिस्टिलेशन होती है तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस बिल्कुल बिल्कुल बदल जाती है। उसके अंदर शुरू के अंदर होते हैं हेड्स, जो जैसे मान लीजिए 100-150 ml अपनी निकलेगी, तो शुरू के 10-15% 20% हेड्स कहते हैं। सो गाइज, वीडियो बीच में से स्टॉप हो गई थी। तो गाइज, जैसे मैं बता रहा था कि डिस्टिलेशन अगर आप फिर भी करना चाहें, अगर आप फिर भी घर में करना चाहें, तो प्लीज़ इसको बहुत डिसेंटली स्टडी करिए। वैसे तो मत ही करिए गाइज, कोई सेंस नहीं है, आप बनाएंगे खुद की हेल्थ के साथ, यू नेवर नो कब क्या हो जाए गाइज। तो प्लीज़ डिस्टिलेशन को अवॉइड करिए। और जो ये फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा आंसर है गाइज़, कि एक नकली दारू, तो गाइज़ नकली दारू क्या होती है? अब जैसे नकली दारू में आते हैं, तो क्या होता है, काफ़ी गाँव में, विलेजेस में, इनफैक्ट काफ़ी स्टेट्स जो ऐसे हैं जिसमें अल्कोहल बैन है, तो लोगों को क्या होता है, अल्कोहल पीनी है, तो वो सोचते हैं कि हम घर में बना लेंगे, हम घर में उसको डिस्टिल कर लेंगे और घर में हम पी लेंगे। तो गाइज़ क्या होता है, अब वो जो जिस बैकग्राउंड से होते हैं वो लोग, उनको इतनी एजुकेशन नहीं होती कि इसमें इथेनॉल क्या है, मीथेनॉल क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करने के लिए सोचते हैं कि हम बनाएंगे, हम पिएंगे, हम इन्जॉय करेंगे। लेकिन होता क्या है, वो ऊपर के जो हेड्स होते हैं वो हटाते नहीं हैं। अब हेड्स नहीं हटाएंगे तो वो मीथेनॉल का कंजम्पशन हो रहा है, इसीलिए रोज़ अखबारों में न्यूज़ आती है कि नकली दारू पीने से 5 लोग अंधे हो गए, नकली दारू पीने से इतने लोगों की जान चले गई। तो गाइस ये होता है, नकली दारू का मतलब होता है जिसमें मीथेनॉल हो गई। और अपन जो होम ब्रू कर रहे हैं वो, मैं ये मानता हूँ कि वो नकली दारू नहीं है, ये बहुत बड़ी हॉबी है जो पूरी दुनिया में कितने कितने लाखों लोग पैशन की तरह अपने फॉलो करते हैं। पूरी एक कम्युनिटी होती है इन लोगों की, और ये कम्युनिटी हेल्थ, अपनी एक सेफ्टी सब साथ में रखते हुए चलते हैं। कहीं भी हम ये नहीं बोलते कि भाई इसको, इसीलिए हम सैनिटाइजेशन पे इतना फोकस करते हैं कि यू नेवर नो कब बैक्टीरिया आपकी ब्रू में आ जाए, आपको ब्रू हटानी पड़ जाए, या आप कभी मान लीजिए आपको पता भी नहीं चले कि ख़राब हो गई, तो आप पी लें उसको, और पीने के बाद आपको बाद में उसको पता पड़े पेट खराब हो गया या आपको चक्कर आने लग गए, कुछ भी जो भी दिक्कत होती है। आई एम ग्लैड, टचवुड, अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरे किसी भी एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट जो मैंने नॉलेज गेन करी उसमें भी मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं। मोल्ड जो होता है वो पहले ही बता देते हैं किसी के पीने के बाद किसी को दिक्कत हुई, ये मेरे एक्सपीरियंस में आज तक कभी ना मैंने खुद देखा और ना मेरे अराउंड, मेरे जो कम्युनिटी है होम ब्रूअर्स की, उसमें देखा। आई होप आगे भी कभी ऐसा नहीं हो, बट हम इसीलिए ही फोकस इतना करते हैं सैनिटाइजेशन पे, क्योंकि अगर आप जानते हैं, अगर आप इसके पीछे की पूरी साइंस डिटेल में समझना चाहते हैं, और आप समझते हैं कि फर्मेंटेशन कैसे होती है, यीस्ट का क्या रोल होता है, शुगर का क्या रोल होता है, सैनिटाइजेशन का, एयर का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हीटिंग, बॉइलिंग, किस टेम्परेचर में यीस्ट डाल रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इससे आपकी फर्मेंटेशन को हेल्दी रखने में हेल्प मिलती है। क्या होता है कि अगर जल्दीबाजी में, या फिर आप पूरी नॉलेज लिए बिना, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं वो बिना एक्सप्लेन करें, मैंने ऐसे यूट्यूबर्स भी देखे हैं, और मैं गाइस क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन क्या होता है कि काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बनाते रहते हैं, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करते कि उसके पीछे रीज़न क्या है। इसलिए गाइस क्या है, इस हॉबी में मैं था 2016-2017 से, और 2018 से मैं खुद होम ब्रू कर रहा हूँ, रेसिपीज़ अपनी डेवलप करता रहता हूँ और छोटे छोटे लेवल पे। 2016-17 में तो गाइस मैं क्या कॉलेज में ही था, हालांकि तब तो मैं यूनिवर्सिटी में ही था, मैं इतना कुछ होम ब्रू कर नहीं पाया, बट 2018 से मैंने क्या घर में अपने होम ब्रू करना शुरू करा, और 2016-17 से मेरे को इतनी नॉलेज गेन करने का टाइम मिल गया कि जब मैं एक्चुअली बनाने उतरा तो मेरे को मोर और लेस जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखने का होता है वो मैं ऑलरेडी पता थी मेरे को क्या है। होम ब्रूइंग या कोई भी अपनी फील्ड ऐसी होती है बहुत डिटेल्ड होती है, बहुत डिटेल्ड होती है, जितना पढ़ें उतना ही कम होती है, बट होम ब्रूइंग में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को सफिशिएंट नॉलेज आ गई है और अब मैं बनाता हूँ। तो गाइज़ क्या होता है कि अब जब मैंने इतने लॉकडाउन में क्या हुआ, अल्कोहल मिल नहीं रही थी, और लॉकडाउन में अल्कोहल लोग मेरे यूट्यूब पे पता नहीं अपने आप ऐसे लोग आने लग गए जो अल्कोहल बनाना सिखाने लग गए। लेकिन क्या हुआ गाइज़, वो इतना मेरे को लगा कि वो डेंजरस बना रहे हैं, क्योंकि ना तो वो सैनिटाइजेशन का ध्यान रख रहे हैं, जहाँ वो बना रहे हैं वहीं मक्खी मच्छर उड़ रहे हैं, वहीं पर दुनिया भर का कचरा है, सैनिटाइजेशन का नाम का कोई चीज़ नहीं है, ना वो हाथ साफ़ हो रहे हैं, ना उनके कंटेनर्स साफ़ हैं, जो बना रहे हैं बस बन रहा है।
मतलब साइंस तो बनेगी गाइस, अब वो किसी भी कितनी भी साफ सफाई हो, साइंस तो अपना काम करेगी। तो साइंस अपना काम कर रही, उनको अल्कोहल मिल रही, वो खुश, लेकिन उसके साथ आप कितने डेंजर्स अपने साथ लेके चल रहे हैं वो इग्नोर हो रहा था। तो गाइस इसमें सैनिटाइजेशन, ग्रेविटी रीडिंग, मतलब ना उनको मतलब उनने ना कभी वीडियो में दिखाया कि अल्कोहल कितना बनेगा इसमें, क्यों कितना क्यों बनेगा, उसमें शुगर कितनी है, उसमें शुरू की पॉइंट कितनी है, बाद की पॉइंट कितनी है, तो कुछ जब दिख नहीं रहा था मेरे को लगा कि अब एक्चुअली ऐसा टाइम है कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए लोगों के पास, गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी लोग उसी को बिलीव करेंगे क्योंकि उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं हैं। तो मेरे को लगा कि अब मेरे को वीडियोस बनानी शुरू करनी चाहिए, और इसीलिए मैंने वीडियोस बनाई। और जो मेरे पास कमेंट, अब क्वेश्चन को गाइस वापस आंसर करते हुए फाइनल कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा मैं कि अगर आपको ऐसा लगता है होम ब्रूइंग नकली दारू है, तो गाइस वो नकली तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको पूरी नॉलेज है कि मैं क्या बना रहा हूँ और वो क्या बनेगी और वो कैसी टेस्ट करेगी, किस कंडीशंस में बननी चाहिए, तो गाइज उसके बिगड़ने के चांसेस इतने कम हैं, इतने कम हैं मिनिमम, और आपके हेल्थ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। और गाइज सेकेंड क्वेश्चन जो होता है वो मेरे पास आता है कि ये तो बहुत कम अल्कोहल की है, ये नहीं फालतू है, ये आप कुछ ऐसा बनाइए जो स्ट्रॉन्ग हिट करे हमारे पास, स्ट्रॉन्ग मतलब पंच आए अल्कोहल में। आप विस्की बनाना दिखाइए, वॉडका बनाना दिखाइए, आप उसको सैनिटाइजर बोल दीजिए, आप उसको विस्की मत बोलिए, वॉडका मत बोलिए, लेकिन आप हमको बता दीजिए कैसे बनता है। तो गाइज ये भी क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से काफ़ी रिलेटेड है, ये बहुत गलत है, आप नहीं बनानी चाहिए घर में, इलीगल होती है। हाँ लेकिन एजुकेशनल पर्पसेस से अगर किसी को मैं टीच करना चाहूँ कि इसके पीछे की साइंस क्या है, एजुकेशनल पर्पसेस से मैं बता सकता हूँ। आई होप मैं आगे उन वीडियोस में मैं डिस्टिलेशन बताऊँ, लेकिन गाइज वो बिल्कुल घर में बनाने की चीज़ नहीं होती। गाइज अगर आप अल्कोहल पीना चाहते हैं तो या तो आप उसको बाज़ार से एक्चुअली जो अच्छी वाइन, अच्छी डिस्टिलरीज में बनी है, अच्छी ब्रांड्स हैं, आप उनको ट्राई करिए। आप प्लीज़ घर में बनाने की कोशिश नहीं करिए, डिस्टिल करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि इसके पीछे की जो साइंस होती है वो बहुत रिजिड होती है, बहुत स्ट्रिक्ट होती है, हल्की सी चूक हुई और जान पे खतरा आ सकता है। तो गाइज़ यही है मेरी आज की वीडियो, आई होप ज़्यादा लंबी नहीं हो और आपको समझ में आया हो मेरा ये पॉइंट जो मैं रखना चाहूँ कि एक होम ब्रूअर की जो ब्रूज होती हैं वो नकली होती हैं या नहीं होती, ये फाइनल डिसीजन तो गाइज़ आपका है। इसके पीछे की जो साइंस है वो मैंने आपको समझा दी, और डिस्टिलेशन बहुत डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट अनलेस एंड अनटिल आपको पूरी नॉलेज होए, नॉलेज आने के बाद तो गाइज़ कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। लोग आजकल मार्स पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है, आधी अधूरी नॉलेज में, आप प्लीज़ इसको ट्राई नहीं करिए। अगर आप बिना नॉलेज के डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो आई टोटली कंडेम इट, प्लीज़ बिना नॉलेज के नहीं करना चाहिए ये चीज़। और गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप लंबी नहीं हुई हो और आपको समझ में आया हो दोनों के बीच में डिफरेंस होम ब्रूइंग क्या होती है। तो गाइज आई होप कि इस वीडियो का जो मेरा पर्पस था वो आप तक पहुँचा हो, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अभी अपना 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए हैं, आगे जाके अपन और ट्राई करूँगा मैं कि ऐसी वीडियोस और आपके पास लाता रहूँ और आपको इंगेजिंग कंटेंट मिलता रहे, आप एंटरटेन रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।